में भयंकर सड़क हादसा हुआ जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बढ़ेंगे खबरों में, देवभूमि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा पर पर्यावरण विज्ञानियों के साथ साथ साधु संत चिंतित हैं। जहां बलिया मठ के महंत कौशलेंद्र गिरी का उत्तराखंड में आई जल तबाही पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अपना संतुलन खुद बनाती है, अधिकारी द्वारा चेतावनी देने के बाद भी वहां गलतियां हुई हैं। संपूर्ण विश्व तेजी से आधुनिकता की तरफ जा रहा है। साथ ही उत्तराखंड में आई तबाही पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी गलतियों में सुधार हो, इसी की अपेक्षा है। महंत ने बताया कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, आपदा से बचाव के लिए प्रकृति को शुद्ध और स्वच्छ कर अधिक से अधिक पौधे लगाएं। आधुनिकता की तरफ जा रहा है और अभी उत्तराखंड में जो ग्लेशियर का महाप्रलय आया, दुखद है। प्रकृति अपने संतुलन बनाती है और ये इस समय ही नहीं हो रहा है, सतयुग द्वापर त्रेता हमेशा हुआ है। वो ग्लेशियर था, ये है कि अधिकारी उसमें पहले ही चिता दिए थे, कुछ उसमें गलतियां हुई हैं जो भविष्य में सुधार किया जाए अपेक्षा है। और जो भी घटना घटी है, ये आपदा रही, काफ़ी लोगों का लापता होने का भी बॉडी मिल भी नहीं पाई है, और दुखद घटना है कि अधिक से अधिक पौधा लगाया जाए। अभी उत्तर प्रदेश में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में ये संकल्प ले कि हमें हर वर्ष या अपने जन्मदिन के अवसर पे एक पौधा हम लगाएं, और अपने जीवन का जिस तरह से विकास होता है उस तरह से उस पौधे का भी मैं ख्याल रखूं और उसका उत्तरोत्तर विकास हो। खबर बिजनौर से है, जहां पर